हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप टिप्स फोरियो में आपका स्वागत है। आज हम इन स्टोन्स के जो पीसेज हैं इनसे एक एंटिक बाउल बनाएंगे जो कि बहुत ही नेचुरल लुक देगा और मल्टी यूजेज है। उसमें हम अपने घर की कई चीज़ें रख सकते हैं और एज ए शोपीस भी उसको अपने घर में सजा सकते हैं। तो इस जो बाउल बना रहे हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो आपके सामने स्टोन्स है ये मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है नेचुरल लुक देने के लिए। आप इसमें कलरफुल स्टोन्स भी ले सकते हो। ये आप 20 से 30 mm के कुछ टुकड़े ले लीजिए। दूसरा जो हम चीज़ लेंगे वो है जिस साइज का हमें बाउल बनाना है उससे थोड़ा बड़ा स्टील या कांच का बाउल लेंगे। मैंने ये स्टील का बाउल लिया है और इसकी शेप का मुझे बाउल बनाना है। थर्ड जो हमें चीज़ ली है वो है ये एराडाइट ली है। आप इसके अलावा कोई भी स्टोन एडेसिव ले सकते हो इन स्टोन्स को चिपकाने के लिए। जो दोनों ट्यूब हैं इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के किसी भी पत्थर पे या कोई भी प्लास्टिक की कोई चीज़ हो, जैसे मैं इसी पे यूज़ कर लेती हूँ हल्का सा, ये मैंने तिनका रख रखा इसी से मिक्स करके और ये यूज़ कर लेती हूँ। फोर्थ जो हमें चीज़ लेनी है वो है ये प्लास्टिक कैरी बैग जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। अब किस तरीके से हम बाउल बना रहे हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले ये बाउल लिया है मैंने और इसमें ये प्लास्टिक कैरी बैग इस तरीके से अरेंज किया है। ये देखिए, ये प्लास्टिक कैरी बैग हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई भी एडेसिव या ग्लू जो हम स्टोन को चिपकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अपने बाउल को ख़राब नहीं करें। और अब जो ये स्टोन के टुकड़े हैं, ये जो स्टोन के टुकड़े हैं उसको इसमें हम अरेंज कर देंगे इस तरीके से। ये स्टोन के टुकड़े हम अरेंज कर रहे हैं। आप चाहे तो अरेंज करते टाइम आप इन पे हल्का सा क्यूफिक्स लगा दीजिए ताकि ये अरेंज होने में आपको जो मुश्किलें आती हैं, मैंने तो दो तीन बाउले से बना लिए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने भी जब बनाया तो इस टाइप की कई चीज़ें जोड़ी हैं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो आप क्यूफिक्स थोड़ी सी लेकर के ये अरेंज करते जाएँ और उसमें हल्का हल्का क्यूफिक्स लगाते जाएँ ताकि क्या है कि एक बार ये स्टोन अरेंज हो जाएँ उसके बाद में ये आराम से आपको अच्छा सा एडेसिव चिपका दें। क्योंकि क्यूफिक्स से हम बना तो सकते हैं लेकिन उससे क्या है कि मजबूती नहीं आती। मजबूती देने के लिए हमें कोई अच्छा एडेसिव यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये स्टोन्स अरेंज कर लिए हैं। अब इन पे मैं एराडाइट यूज़ करूँगी। इस तरीके से ये स्टोन्स अरेंज करने के बाद में इनमें जहाँ जहाँ बीच बीच में गैप हैं ये एराडाइट आप यूज़ करते रहें। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए एराइट, देखिए ज़्यादा निकल गए या आपको ज़्यादा नहीं लगानी है, हल्की हल्की ऐसी लगानी है ताकि जो अपने नीचे प्लास्टिक सीट है उसके कम से कम लगे और नीचे वाले वाले बाउल के टच नहीं हो। इस तरीके से आप ये एराइट लगा लें। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आपके बीच में जो गैप है ये स्टोन्स के बीच में ये कम से कम रखें ताकि अपना जो बाउल है वो ब्यूटीफुल बने। किनारों पे भी हल्का सा ध्यान दें कि सेम पीसेज नहीं लगाएं, कुछ छोटे कुछ बड़े ताकि नेचुरल लुक आए। अगर आपको नेचुरल लुक नहीं देना है, नॉर्मल लुक देना है तो आप सेम पीसेज भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े पीसेज भी लगाए हैं। इस तरीके से देखिए ये मेरा बाउल बन के तैयार है। बीच में जहाँ जहाँ गैप है आप उसमें ये एराडाइट लगाते जाइए। ये लीजिए अपना बाउल तैयार है। अब इसको हम ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से अपना बाउल तैयार हो जाए। देखिए इसकी शेप इस तरीके की कुछ आएगी। ये मैंने कुछ बड़े और छोटे पीसेस लिए हैं नेचुरल लुक लेने के लिए। इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो लीजिए इसको सुखा देते हैं और रात भर सूखने के बाद में वापस देखते हैं। फ्रेंड्स, लगभग 10 से 12 घंटे हो गए हैं और देखते हैं हमारे बाउल की क्या कंडीशन है। इसको हल्के हल्के हाथों से आप नीचे हल्का सा अगर चिपका हुआ हो तो बिल्कुल रिलैक्स होके आपको ये निकालना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये निकाल लिया है। कुछ एक आधे स्टोन निकल रहे हैं इसमें से। नीचे हल्का सा चिपा है, एकदम से उतार लेती हूँ मैं। ये देखिए हमारा बाउल जो है तैयार है। इसको हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आप, इसमें नीचे ये कुछ पॉलीथीन चिपकी हुई रह सकती है, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से आपको दिखाऊंगी। तो इसको आप आराम से धीरे धीरे उतार लें और नहीं भी उतारे तो ये नहीं दिखेगी। अब आप इस पर कोई भी गोल्डन या सिल्वर कलर कर सकते हैं
ये देखिए इसमें मेरा ये एक स्टोन शायद ये मजबूत नहीं हो पाया था, तो इस तरीके से अगर कोई स्टोन निकल रहा हो तो आप उसको एक बार वापस से चिपका दें। अब इसको हम कोई भी एज ए सोप केस जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने सिंक को सजाने के अलावा आप इसको ज्वेलरी केस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी जो फेवरेट ज्वेलरीज हैं वो आप इसमें रख सकते हैं, ताकि कहीं भी आप जाए तो आपको अचानक से ढूंढनी ना पड़े और सारी ज्वेलरी आपको इस तरीके से इसमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये DIY कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसी बाउल में हम प्लांट्स कैसे लगाएंगे ताकि अपना जो लिविंग रूम है वो अट्रैक्टिव लगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।